एक चोर को सजा देते समय जज साहब ने उससे पूछा कि क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो। उस आदमी ने जवाब दिया, जी हुजूर, मेहरबानी करके मेरे माँ बाप को भी सजा दीजिए। जज ने पूछा, क्यों? चोर ने जवाब दिया, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं स्कूल से पहली बार पेन चुरा कर लाया था, तब मेरे माँ बाप ने जानबूझकर नजरअंदाज किया। उसके बाद मैं स्कूल और पड़ोसियों के घरों से एक के बाद एक चीजें चुराता रहा और चोरी करना मेरी आदत बन गई। अगर मेरी पहली गलती पर मेरे माँ बाप मुझे ऐसा करने से रोकते तो आज मैं कटघरे में खड़ा नहीं होता। पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या माँ बाप को बच्चों को गलत काम करने का मौका देना अच्छी बात है? पेंसिल चुराने से लेकर मेरे माँ बाप को ये सारी बातें मालूम थी, पर उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं, इसलिए मेरे साथ उन्हें भी जेल जाना चाहिए। वह बच्चा सही कह रहा था। हालांकि इन बातों से वह अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं होता, पर सवाल ये पैदा होता है, क्या माँ बाप ने सही काम किया? बच्चों को मन मुताबिक काम करने की अनुमति देना अच्छी बात है, पर सही रास्ता दिखाए बिना चुनाव करने की छूट देना उनकी तबाही की वजह भी बन सकता है। अपने बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज ना करो। बचपन के बुरे संस्कार आने वाले कल तक बहुत बड़ी सजा बन सकती है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।